हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ जेस्टेशनल एज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट भी है ये, ठीक है, एंड मार्क्स गेनिंग है, तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक आएगा तो आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है, जेस्टेशनल एज शुड बी डिटरमाइंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ विच हेल्प इन स्पेसिफिक केयर मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस। ओके, जेस्टेशनल एज शुड बी डिटरमाइंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ विच हेल्प इन स्पेसिफिक केयर मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस। द टेस्ट शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। फिजिकल सिम्टम्स एंड सिम्टम्स ऑफ नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन शुड बी डन इन द चिल्ड्रंस रेस्टिंग एंड अवेक स्टेट। ओके, तो टेस्ट आपको इमीडिएटली आफ्टर बर्थ करना है फिजिकल सिम्टम्स का एंड सिम्टम्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, चाहे बेबी जो रेस्टिंग फेज में हो या फिर वो अवेक हो, दोनों किसी भी स्टेट में हो, आपको बस ये एग्जामिनेशन आपको करना है प्रॉपर, ठीक है। नाउ एज डिटरमिनेशन, एज डिटरमिनेशन बेसिकली होता है कि दो मेथड है इस चीज़ के, कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन मींस जो लेडी है, जो मदर है, उनको लास्ट मेसेज कब आए थे वो डेट, इज़ टू बेस्ड ऑन द डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, उनके बीच का जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग हम जेस्टेशनल एज बेबी की डिटरमाइन करेंगे। एक तो ये मेथड है। अब कभी कभी क्या होता है, जो लेडी होती हैं तो उनको कभी कभी हम जो मेंस्ट्रुएशन की लास्ट डेट होती है वो LMP नहीं मालूम होती है, या फिर गलत बता देती है, तो उसकी वजह से जो जेस्टेशनल एज जो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, गलत निकलती है। तो इस केस में क्या है, दूसरा सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग सिस्टम। स्कोरिंग सिस्टम, दिस इज़ नोन एज न्यू बिलार्ड स्कोर, इन विच फॉलोइंग टू टेबल्स आर यूज, जिसमें कि सबसे फर्स्ट होता है कि बॉडी मेच्योरिटी स्कोर एंड सेकेंड इज नर्वस मेच्योरिटी स्कोर, डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड एंगल ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। इस पर हम डिटरमाइन करते हैं, आगे चल के इन दोनों स्कोर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो जेस्टेशनल एज इज डिटरमाइंड ऑन द स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम कंबाइंड स्कोर ऑफ दीज टू टेबल्स एज शोन इन मेच्योरिटी रेटिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज बाय बिलार्ड स्कोर, ठीक है। तो पहले सबसे पहले फिजिकल मेच्योरिटी। ओके, फिजिकल मेच्योरिटी में सबसे पहले आपको याद कैसे करनी है, फिजिकल मेच्योरिटी में सात पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले स्किन, सेकेंड इज लेन्यूगो हेयर्स ऑन द बेबी, ठीक है, प्लैंटर सर्फेस, ब्रेस्ट, आई और ईयर, जेनाइटल्स, मेल एंड फीमेल। ओके, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद करो, SPL, स्लैप, BE, गर्ल और बॉय, ठीक है, थप्पड़ पड़ेगा चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, SLP, स्लैप, BE, ब्रेस्ट एंड आई ईयर, गर्ल एंड बॉय, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले स्किन के बारे में आते हैं, स्किन के बस ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अपने आप ही याद हो जाएगा। सबसे पहले स्किन, स्किन अगर स्टिकी होगी और फ्रेजाइल होगी, मींस उसके ऊपर बहुत सारे क्रैक्स होंगे एंड ट्रांसपेरेंट होगी, बिल्कुल आपको इंटरनल जो ऑर्गन्स है बिल्कुल दिख रहे हैं स्किन पे, दैट मींस कि वो स्कोर आप कितना दोगे, -1 दोगे। और याद है जो बिलार्ड स्कोर है फॉर द फिजिकल मेच्योरिटी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाता है, जिसमें से कि जो स्किन का स्कोर है वो पूरा 5 तक जाता है, वेदर एज इन लेन्यूगो, प्लांटर सर्फेस, ब्रेस्ट, आई ईयर, जेनाइटल ऑफ मेल एंड फीमेल, उनका सिर्फ 4 तक ही जाता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं स्किन से। स्किन -1 स्कोर देंगे अगर जो बेबी होगा उसकी स्किन की होगी स्टिकी होगी बहुत ज़्यादा और फ्रेजाइल, बहुत ज़्यादा क्रैक्स होंगे एंड ट्रांसपेरेंट होगी। 0 स्कोर देंगे, इसमें पता है क्या आपको माइंड में रखना है, कि सबसे पहले स्किन का कलर और कि क्या चीज़ विजिबल हो रही है, ठीक है, जितनी चीज़ें विजिबल होंगी दैट मीन बेबी उतना इमेच्योर है। जैसे सबसे पहले स्किन का कलर है कि स्टिकी एंड फ्रेजाइल है, ठीक है, तो दैट मीन्स -1 है एंड ट्रांसपेरेंट है तो -1 दे रहे हैं। तो पहले कलर हो गया, मतलब स्किन कैसी है, एंड सेकेंड इज कि अंदर की चीज़ों से दिख रही है कि नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंसी स्किन की कैसी है, उसके बेस पे 0 स्कोर देंगे अगर स्किन जो होगी हमारी जेलेटिनस रेड होगी, एंड सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट, तो हम 0 स्कोर देंगे। स्मूथ पिंक, अगर हमारा 1 स्कोर देना है बेबी को तो स्मूथ पिंक हमारी स्किन होगी और वेन विजिबल होंगी, ठीक है, विजिबल वेन, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो वो मैच्योर है, लेकिन
अगर विजिबल वेन है, पहले तो मैंने क्या था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, अब थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हुआ, अब सिर्फ हमें वेन ही दिख रही है, विजिबल वेन है, तो हम माइंड तो हम वन देंगे, ठीक है, वन स्कोर देंगे। टू स्कोर देंगे अगर सुपरफिशियल पीलिंग और रैशेस, ठीक है, सुपरफिशियल पीलिंग है और थोड़े थोड़े रैशेज हैं, तो हमसे टू स्कोर देंगे। एंड फ्यू वेन्स, जो वेन्स हमारी फ्यू वेन्स हमें विजिबल है खाली, थ्री स्कोर देंगे अगर क्रैकिंग और पेल स्किन है, ठीक है, क्रैकिंग और पेल स्किन है। एंड रेयर वेन, हमें वेन्स जो है वो रेयर देखने को मिल रही है। फोर हम स्कोर देंगे जब पर्चमेंट डीप क्रैकिंग होगी विद नो वेसल्स, कोई भी वेसल, जितना विजिबिलिटी जितनी ख़त्म होगी, जितनी कम होगी, दैट मीन्स कि बेबी उतना मैच्योर है, ठीक है। फाइव स्कोर देंगे जब लेथार्जिक क्रैक्ड एंड रिंकल्ड, ठीक है, थोड़े से रिंकल होंगे, लेथार्जिक होगा बेबी एंड क्रैक्स होंगे उसमें, उसकी स्किन पे, ठीक है। तो इससे हमें सबसे पहले स्किन कैसे है एंड सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी देखेंगे। अगर स्टिको फ्रेजाइल है और ट्रांसपेरेंट हो तो माइनस वन देंगे, जेलेटिनस रेड एंड ट्रांसल्यूसेंट है तो जीरो देंगे, स्मूथ पिंक है तो एंड विजिबल वेन है तो वन देंगे, और सुपरफिशियल पीलिंग है एंड रेयर वेन्स है तो उसमें टू देंगे, क्रैकिंग पेल एरिया है तो उसमें रेयर वेन्स है, ठीक है, पहले तो टू में तो फ्यू वेन्स है, इसमें रेयर वेन्स है, ठीक है। फोर्थ इज पर्चमेंट डीप क्रैक है विद नो वेन एट ऑल, फोर तो उसे फोर स्कोर देंगे। एंड फिफ्थ में लेथार्जिक क्रैक्ड एंड रिंकल्ड। नाउ लेनिगो, लेनिगो अगर माइनस वन स्कोर है, दैट मीन्स कि अगर कोई भी हेयर नहीं है, बिल्कुल भी क्लीन बॉडी उसकी दिख रही है, तो उसमें माइनस वन स्कोर देंगे। अगर स्पेयर मतलब थोड़े थोड़े हैं, थोड़े थोड़े पूरी बॉडी पे हैं, तो हम जीरो स्कोर देंगे। बहुत एबंडेंट है तो उसे वन स्कोर देंगे, एबंडेंट तो है लेकिन वो थिनिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन है तो उसे टू स्कोर देंगे। अब हमें देखा स्किन पे थोड़े बाल एरियाज देखने को मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स हम उसे थ्री स्कोर देंगे, ठीक है। मोस्टली बाल एरिया, सिर्फ उसे उसके हेड पे हमें हेयर देखने को मिल रहा है और बाकी स्किन पे बाल एरिया देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स को बेबी मैच्योर है तो मोस्टली बाल्ड है तो फोर हम उसे स्कोर देंगे। नाउ प्लांटर सर्फेस, सबसे पहले बेबी को देखेंगे तो स्किन देखेगी, सेकेंड उसके हेयर देखेंगे, उसके बाद बेबी अपना प्लांटर सर्फेस दिखाएगा कि रुको, ठीक है। तो उसमें हम कहेंगे क्या देखेंगे कि हील और टो की लेंथ देखेंगे, 40-50 mm है तो उसे माइनस वन स्कोर देंगे, अगर 40 से भी कम है तो माइनस टू स्कोर देंगे, ठीक है। अगर 50 से कम है एंड नो क्रीज का मतलब देखो, अब इसमें आपको प्लांटर सर्फेस में आपको क्या याद रखना है कि देखो, जब भी मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि क्या है कि बेबी ने हाथ पर मूव की है, मीन्स अपनी मुट्ठी हो गया और जो प्लांटर सर्फेस हो गया उसको क्रैक किया है, मतलब उसको थोड़ा फोल्ड किया है। अगर हम अपनी तलवे देखते हैं जब, तो उसके ऊपर कितनी सारी लाइनिंग्स होती हैं, अगर कोई भी लाइनिंग नहीं है, ठीक है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि बेबी ने कोई मूवमेंट ही नहीं किया, मीन्स वो अभी न्यूली फॉर्मिंग हुआ है, ओके। तो अगर वो पे कोई क्रीज नहीं है, नो क्रीज, दैट मीन्स जीरो स्कोर देंगे। अगर फेंट रेड मार्क है तो वन स्कोर देंगे। अगर एंटीरियर ट्रांसफर क्रीज ओनली है, पोस्टीरियर में नहीं है, सिर्फ एंटीरियर ट्रांसफर क्रीज है तो टू स्कोर देंगे, और क्रीज ऑन एंटीरियर टू थर्ड है तो उसे थ्री स्कोर देंगे, एंड क्रीज ओवर एंटायर सोल है तो उसे फोर स्कोर देंगे, ओके। नाउ ब्रेस्ट इम्परसेप्टेबल, ठीक है, इम्परसेप्टेबल बेसिकली मतलब हमें पता ही नहीं चला, पूरी स्किन हमें चेस्ट की बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, उसमें कोई ब्रेस्ट के कोई अलग से निपल्स एंड ऑल नहीं दिख रहे, दैट मीन्स कि बेबी को इम्परसेप्टेबल ब्रेस्ट है तो उसमें माइनस वन स्कोर देंगे। अगर बेयरली परसेप्टेबल है तो जीरो स्कोर देंगे। फ्लैट एरियोला है विद नो बड्स, ठीक है, फ्लैट एरियोला विद नो बड्स तो वन स्कोर देंगे। स्टिप्ड एरियोला विद 1-2 mm बड तो उसे टू स्कोर देंगे। एंड रेस्ड एरियोला विद 3-4 mm बर्ड उसे थ्री स्कोर देंगे, ठीक है। एंड फोर स्कोर देंगे जब फुल एरियोला 5-10 mm बर्ड होंगी, ओके। उसकी बात है ईयर्स एंड आई, तो सबसे पहले इसमें माइनस वन और जीरो स्कोर है ना, इसमें आपको आई के बारे में देखना है कि आईलिड फ्यूज्ड है, अगर लूजली फ्यूज्ड है तो माइनस वन देंगे, अगर टाइटली फ्यूज्ड है तो माइनस टू देंगे, ठीक है, माइनस वन में। और ज़ीरो में क्या होगा कि लिड ओपन है, ठीक है, लिड अगर ओपन हो रही है तो उसको हम जीरो स्कोर देंगे, हाँ जी लिड ओपन तो हो रही है, फ्यूज तो नहीं है माइनस वन की तरह।
इसमें क्या है, उसके बाद आपको पिना देखना है एंड रिकॉइल, दो वर्ड आपको याद रखने हैं हमारे ईयर ईयर में, ठीक है। पिना, सबसे पहले पिना अगर फ्लैट होगा तो दैट मीन्स जीरो स्कोर है, एंड स्टेज फोल्डेड और फोल्ड रहता है थोड़ा, स्टेज फोल्डेड, ठीक है। वन स्कोर तब देंगे जब स्लाइटली कर्व्ड पिना, पिना कैसा होगा, स्लाइटली कर्व्ड कर्व्ड होगा बट सॉफ्ट एंड स्लो रिकॉइल, ठीक है। टू स्कोर देंगे जब वेल कर्व्ड पिना होगा, जो हमारा पिना होगा वो वेल कर्व्ड है विद सॉफ्ट बट रेडी रिकॉइल, रिकॉइल बहुत ज़्यादा है उसमें। अब थर्ड इज थ्री स्कोर देंगे हम जब फॉर्म्ड एंड फिर्म इंस्टेंट रिकॉइल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिकॉइलिंग हमें देखने को मिलेगी। फोर्थ हम देखे फोर्थ जो स्कोर होगा हम देंगे जब हमारा जो ईयर है वो थिक कार्टिलेज ईयर स्टिफ होगा, थिक कार्टिलेज होगा ईयर जो बस होगा स्टिफ होंगे तो हम उसे फोर स्कोर देंगे। नाउ जेनाइटल्स, जेनाइटल्स में अब हमें क्या दिमाग में रखना है कि जेनाइटल्स में जब मेन मेल जेनाइटल की बात करते हैं तो स्क्रोटम पे हमें पता है लाइनिंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीजेज होती हैं, ठीक है, जैसे रुगे बोलते हैं, रुगे नॉट क्रीजेस, इट्स अ रुगे, ठीक है, फोल्डिंग्स बेसिकली हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं उसे। अगर स्क्रोटम फ्लैट है सबसे पहले तो माइनस वन स्कोर देंगे अगर स्क्रोटम बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ है, ओके, मेल बेबी में। अगर स्क्रोटम जो है एम्प्टी है तो अगर देखो सबसे पहले माइनस वन स्कोर देंगे अगर स्क्रोटम जो है फ्लैट और स्मूथ है, जीरो स्कोर देंगे अगर स्क्रोटम जो है एम्प्टी है एंड फेंट रुगे, हमें बहुत ही फेंट हल्के फुल्के रुगे दिख रहे हैं। वन स्कोर देंगे व्हेन टेस्टिस इन अपर कैनाल, जो टेस्टिस होंगे ना अपर कैनाल में होंगे एंड रेयर रुगे, रुगे रेयर दिखेंगे हमें। टू स्कोर देंगे जब हम टेस्टिस होंगे डिसेंड मतलब डिसेंडिंग, जब टेस्टिस होंगे डिसेंड कर रहे होंगे एंड फ्यू रुगे हमें देखने को मिलेंगे। थ्री स्कोर देंगे जब टेस्टिस जो होंगे डाउन होगी एंड गुड रिव्यू देखने को मिलेंगे हमें, रिव्यू जो होंगे बहुत ज़्यादा हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसे अच्छे होंगे, मतलब अच्छे देखने को मिलेंगे, वी कैन ईजिली डिटरमाइन दैट। फोर्थ हम स्कोर देंगे जब टेस्टिस जो होंगे पेडेंक्यूलस होंगे एंड डीप रिव्यू हमें देखने को मिलेंगे, सो नॉट अ पेडेंक्यूलस इज अ इट्स अ पेंडुलस, ठीक है, टेस्टिस होंगे पेंडुलस पेंडुलम की तरह होंगे एंड हमें डीप रुगे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रुगे देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स कि बेबी जो मैच्योर है उसको फोर्स कर दे दो। नाउ जेनिटल्स ऑफ फीमेल, फीमेल में आपको दो चीज़ याद रखनी है कि देखो सबसे पहले क्लाइटोरिस, हम माइनस वन स्कोर देंगे अगर क्लाइटोरिस जो होगा प्रोमिनेंट होगा और जो लेबिया होगी वो फ्लैट होगी, माइनोरा मेजोरा में कोई ऐसी अपीयरेंस नहीं होगी, बस लेबिया जो होगी फ्लैट होगी। जीरो स्कोर देंगे जब प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस होगी, ठीक है, और स्मॉल लेबिया माइनोरा, प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस हमारे पहले भी थी माइनस वन में, अब इसमें क्या होगा कि स्मॉल लेबिया माइनोरा अपीयर होगी। वन स्कोर देंगे जब प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस, अभी भी प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस है बट जो लेबिया माइनोरा है ना वो इनलार्ज्ड हो गई है वन में। टू स्कोर देंगे जब मेजोरा एंड माइनोरा इक्वली प्रोमिनेंट, ठीक है, अब पहले तो सिर्फ माइनोरा थी, अब क्या होगा इसमें मेजोरा जो लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा जो कि इक्वली प्रोमिनेंट होगी। थ्री स्कोर देंगे जब लेबिया जो मेजोरा होगी वो लार्ज होगी देन माइनोरा, ओके। फोर स्कोर देंगे जब लेबिया मेजोरा जो होगी कवर करेंगी क्लाइटोरिस को एंड लेबिया माइनोरा को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फिजिकल मेच्योरिटी है यहाँ पे कवर होती है। अब नाउ सेकेंड आते हैं हमारे पास मेच्योरिटी रेटिंग, मीन्स कि सॉरी न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी में सबसे पहले देखते हैं हम पोस्चर। देखो जब भी बेबी हम मदर के वूम में होता है ना वो अपनी अपनी बॉडी को ना हमेशा टुवर्ड द मतलब अपनी बॉडी को अपनी जो सेंट्रल एक्सिस है मींस मिड लाइन की तरफ अपने आप को पूरा बाइंड करके रखने की कोशिश करता है क्योंकि स्पेस बहुत छोटा होता है। तो अगर बेबी जो है आफ्टर डिलीवरी वैसी कंसिस्टेंसी शो कर रहा है कि मींस वैसे ही रह रहा है बिल्कुल सिमट के बॉडी रह रहा है दैट मींस कि अभी भी वो इमेच्योर है। अगर बेबी जब आउटर वर्ल्ड में फुली मैच्योर होकर आया दैट मींस वो फ्लैक्स करने की कोशिश करेगा मतलब अपनी हाथ पैर जो का बॉडी से दूर ले जाने की कोशिश करेगा दैट मींस को थोड़ी मैच्योरिटी स्कोर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये माइंड में रख के सबसे पहले पोजीशन पोस्चर, ठीक है, इसमें हमारी बेसिकली छः हमारे मतलब मेजरमेंट के क्राइटेरिया है। सबसे पहले उसमें आता है पोस्चर, पोस्चर में माइनस वन पोस्चर में कुछ नहीं दे रखा है, इसमें जीरो पोस्चर देते हैं जब बेबी जो होता है नॉर्मली, ये देखो इसके हाथ और उसके पैर जो बॉडी के बिल्कुल पास है, ठीक है। वन स्कोर देंगे जब हाथ और पैर बेड से थोड़े से दूर जाएंगे। टू स्कोर ये छोटी छोटी इमेजेस आपको बनानी है, कैसे बनाओगे ये चीज़ जो बोल रही हूँ उसको सुनते रहो बस, ठीक है, इससे आपके माइंड में इमेज आएंगे कैसे बनानी है।
सेकेंड इज़ कि थोड़े से दूर हाथ पर जाएंगे बर्ड से, थर्ड इज़ थोड़े से और दूर, एंड फोर्थ इज़ कि जो जो हाँ जो हैंड्स है जैसे आर्म होगी फोर आर्म होगी उनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो बर्ड से और दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पोस्चर इस ऐसा पोस्चर आपको बेब में देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि उससे हम डिटरमाइन करते हैं जो न्यूरोमस्कुलर मेच्योरिटी मतलब पोस्चर के बेस पे, ठीक है। नाउ स्क्वायर विंडो, स्क्वायर विंडो क्या होता है? तो देखो जो एंगल होता है ना बिटवीन पाम एंड फोरआर्म, ठीक है, एंगल बिटवीन पाम एंड फोरआर्म, दे देखो ये वाला एंगल, जो एंगल बिटवीन पाम एंड फोरआर्म, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर विंडो, स्क्वायर विंडो या फिर वेस्ट, ठीक है। अगर ये एंगल जो है मोर देन 90 है तो उसे वन वन स्कोर देंगे, अगर ये 90 है तो उसे हम ज़ीरो स्कोर देंगे, अगर वो 60 है तो उसे हम वन स्कोर देंगे, अगर वो 40 है तो उसे हम टू स्कोर देंगे, अगर वो 30 है तो हम उसे थ्री स्कोर देंगे, अगर वो ज़ीरो है तो हम उसे फोर स्कोर देंगे, ठीक है। मीन्स वो एंगल ना कम से कम होना चाहिए, जैसे ये मेच्योर बेबी है तो इसमें एंगल क्या है लेस देन 90 है तो उसे हम मतलब इसके एंगल जो है ज़ीरो के लगभग आ रहा है, तो दैट मीन्स कि मैच्योर बेबी है, ठीक है, ये हम स्क्वायर विंडो बोलते हैं। थर्ड इज आर्म रिकॉयल, आर्म रिकॉयल बेसिकली क्या होता है, ये देखो आर्म रिकॉयल, आर्म रिकॉयल में क्या होता है